दिल्ली की सत्ता में संकट मोचक हनुमान जी की भी एंट्री हो गई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी बजरंग बली की भक्ति में ही सत्ता की शक्ति तलाश रहे हैं। दोनों पार्टियों के बीच खुद को बजरंग बली का बड़ा भक्त बताने की होड़ सी लग गई है। हनुमान चालीसा का पाठ भी पॉलिटिक्स में घिर गया है। अभी तो केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा ही पढ़नी शुरू की है। दिल्ली चुनाव के सियासी पंडित बजरंग बली को चुनाव में खींच लाए हैं। चुनाव चालीसा पढ़ते पढ़ते जैसे ही अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, वैसे ही टीवी स्क्रीन पर हनुमान भक्त के रूप में मनोज तिवारी भी प्रकट हो गए। मंगलवार को मंगल मंगल की कामना की। दिल्ली का चुनावी चक्र अब मेरे बजरंग बली और तेरे बजरंग बली पर रुक गया है। देखना है बजरंग बली किसके लिए सत्ता का संकट मोचक बनेंगे। 5 साल वो अपने सर पर टोपी लगाते रहे, तब उनको हनुमान चालीसा याद नहीं आई। अभी चुनाव में जब उनको लग रहा है संकट आ गया है, इंसान को तभी हनुमान चालीसा याद आती है जब वो केवल संकट की घड़ी में होता है, जब वो केवल दिल्ली के इमाम को दिल्ली सरकार की तरफ से पैसा देते हैं, उनको सैलरी देते हैं, तब उनको हनुमान चालीसा याद नहीं आती है। जब उसके सहायक को 18,000 रुपये 16,000 रुपये दिए जाते हैं केवल मस्जिद के इमाम और उसके सहायक को, तब उनको हनुमान चालीसा याद नहीं आती है। आज जब उनको दिखाई दे रहे योगी जी दिल्ली में आ गए हैं तो उनको हनुमान चालीसा याद आ रही है। क्या भैया भाजपा वालों से पूछ के हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे क्या? शिव जी का पाठ भाजपा ही बताएंगे कि करना है कि नहीं करना है, दुर्गा पाठ करना है कि नहीं करना है, शीतला पाठ करना है कि नहीं करना है, लक्ष्मी जी का पाठ करना है कि नहीं करना है, गणेश जी का, ये भी भाजपा ही तय करेंगे। बात बजरंग बली की आई तो अली बजरंग बली का राग छेड़ने वाले योगी आदित्यनाथ खुद को रोक नहीं सके। कहा केजरीवाल ही नहीं, वो ऐसी भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जो लोग नारेबाजी करते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आ जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी, हम लोग तब भी कहते थे जमाना बदल गया है, अब खून की नदियां नहीं बहेंगी, देश में सौहार्द की नदियां बहेंगी, देश में शांति और सौहार्द का एक नया पाठ पढ़ाया जाएगा। इनकी चिड़ तो इस बात को लेकर के कि समस्या का समाधान कैसे हो गया। अभी तो केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा ही पढ़नी शुरू की है। भाइयों बहनों आप देखना आगे आगे होता क्या है। ओबीसी भी एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ आपको दिखाई देगा। आप देखना ये निश्चित होगा। एक टीवी इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ी, इसके बाद से तो वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी को केजरीवाल की भक्ति में सियासत दिख रही है। विजय गोयल यहां तक कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़कर केजरीवाल प्रायश्चित कर रहे हैं। आज उनकी स्थिति ऐसी हो क्यों गई? क्योंकि इस तरीके के काम उन्होंने किए कि अपने आप को उनको ये सिद्ध करना पड़ रहा है कि वो हिंदू हैं या उनको हनुमान चालीसा आती है। तो जाहिर तौर पर कल तक जो लोग शाहीन बाग के साथ खड़े थे उनको अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जो है उससे जनता की भावनाएं आहत हुई। और सबसे बड़ी बात है जो कुछ हो रहा है वो वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहे हैं। दिल्ली में 11 फरवरी यानी अगले मंगलवार को चुनाव के नतीजे आने हैं। मंगलवार के दिन बजरंग बली किस पर कुर्सी की कृपा बरसाएंगे इसके लिए इंतजार करना होगा। आज तक ब्यूरो। दिल्ली विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार में शाहीन बाग का मुद्दा अपने उबाल पर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंच से शाहीन बाग के बहाने विपक्ष को घेरा। वार पलटवार का दौर उसके बाद शुरू हो गया। प्रचार के अंतिम दौर में शाहीन बाग पर घमासान अब और तेज हो गया है। ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। जितने इनके बड़े बड़े नेता है सबको जाना चाहिए शाहीन बाग, जाके उनसे बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके वो रास्ते खुलवाने चाहिए। दिल्ली में दंगे हुए थे, 2 दिन देखा था ना, गर्व से कहते हैं मैं शाहीन बाग के साथ। दिल्ली का मुख्यमंत्री चुप बैठा है और वो कह रहा है मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूँ, ये खतरा नहीं लग रहा किसी को?